क्या आप जानते हैं कि चाय के ऊपर मलाई क्यों जम जाती है, या फिर क्या आपको पता है कि एक आदमी ने महज 2 छोटे डॉट बनाकर 7 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि न्यूज देखने से इंसान नकारात्मक सोच और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों को बर्गर खाना पसंद होगा जिसमें वेज और नॉन वेज टिक्की की स्टफिंग की जाती है। ऐसे में अगर आप नॉन वेज टिक्की बर्गर खाना पसंद करते हैं तो उसे किसी जानी मानी दुकान या ब्रांड से ही खरीदें। दरअसल अमेरिका में जॉय रॉय नामक एक शख्स रहता था जो बर्गर की एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन वह इंसान बर्गर में चिकन या पोक मीट की स्टफिंग करने की जगह उसमें मृत औरतों के मांस से टिक्की तैयार करके डालता था, जो खाने में लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे। लेकिन जब पुलिस ने जॉय से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि वह 10 महिलाओं की हत्या कर चुका है और उनके मांस को बर्गर की टिक्की बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। जॉय मानसिक रूप से पीड़ित एक व्यक्ति था जो रात में अपने मजे के लिए महिलाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था और सुबह उन्हीं के मांस से बर्गर बनाकर लोगों को बेच देता था। फैक्ट नंबर 2, आज के युग में हर काम इंटरनेट की मदद से पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी सोशल लाइफ अच्छी हुई है बल्कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी काफी आसानी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर बेचा गया पहला प्रोडक्ट गांजा था। दरअसल अमेरिका के एक छात्र ने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से ऑनलाइन ऐप के जरिए बात की और फिर उससे गांजा खरीद लिया था। इस तरह उस खरीदारी को इंटरनेट की पहली शॉपिंग माना जाता है। उस समय शॉपिंग के लिए ऑनलाइन ऐप नहीं हुआ करते थे, इसीलिए लोग मैसेज या कॉल के जरिए गांजा जैसी चीजों की खरीदारी किया करते थे। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकलने पर लोग अपने हाथों को जैकेट के अंदर डाल लेते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामान्य या गर्मी के मौसम में भी भीड़भाड़ वाली जगह पर चलते वक्त अपने हाथ जींस या पैंट की जेब के अंदर डाल लेता है तो इसका मतलब यह है कि वह इंसान थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है। दरअसल इस तरह के लोगों को भीड़ में अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, जबकि उनके बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं। ऐसे में इस तरह के लोग बाजार या मॉल आदि में अपने हाथों को जेब के अंदर डाल लेते हैं ताकि वह किसी तरह से स्थिति को संभाल सके और वहाँ से निकल जाए। फैक्ट नंबर 4, आज के आधुनिक युग में ज्यादातर लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटा सामान होम डिलीवरी के जरिए बैठे बिठाए ही मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई बार चीजें खराब या टूटी हुई आ जाती हैं, जिसे रिटर्न करने पर कंपनी उसे वापस ले लेती है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी उसी रिटर्न किए हुए सामान को दूसरे कस्टमर को बेच देती है ताकि उसे नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेज़न से आपके घर डिलीवर होने वाला सामान फ्रेश या रिटर्न प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को देखना होगा। अगर उस बारकोड पर LPN लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको रिटर्न प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है। वहीं अगर बारकोड पर इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको कंपनी की तरफ से फ्रेश प्रोडक्ट भेजा गया है। इस तरह आप आसान सी ट्रिक को फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास डिलीवर होने वाला प्रोडक्ट फ्रेश है या फिर रिटर्न पॉलिसी द्वारा आप तक पहुँचाया गया है। फैक्ट नंबर 5, आपने सफेद रंग का रसगुल्ला खाया होगा जो मीठी मीठी चाशनी के साथ परोसा जाता है, लेकिन क्या आपने हरे रंग का रसगुल्ला ट्राई किया है जिसका स्वाद मीठा होने के बजाय तीखा होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अजीबोगरीब रसगुल्ला बिहार के पटना शहर में मिल रहा है, जिसे हरी मिर्ची का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस रसगुल्ले को पटना में स्थित चटकारा रेस्टोरेंट के मालिक दीपक चौरसिया ने ईजाद किया है, जो सफेद के बजाय हरे रंग का दिखाई देता है। दरअसल दीपक का कहना है कि वह पारंपरिक मिठाई में बदलाव करके कुछ नया बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने रसगुल्ले को बदलकर मिर्ची रसगुल्ला बना दिया। इस रसगुल्ले का स्वाद खट्टा मीठा है जो पटना के स्थानीय युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप भी इस तीखे मिर्ची वाले रसगुल्ले का स्वाद चखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पटना शहर जाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई सैनिक और आम नागरिक बुरी तरह से घायल हो जाते थे, जिन्हें महीनों तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था। लेकिन इस विश्व युद्ध के दौरान एक खास तरह का नियम बनाया गया था, जिसके तहत अगर किसी सैनिक या इंसान की नाक लड़ाई के दौरान डैमेज हो जाती है तो उसे अपनी नाक की जगह हाथ की बीच वाली उंगली को लगाना होता था। दरअसल उस समय के लोगों का मानना था
कि नाक इंसान के चेहरे का सबसे जरूरी अंग है, जिसके न होने से उसका मान सम्मान कम हो जाता है। इसलिए युद्ध के दौरान जो सैनिक अपनी नाक गवा देते थे, उनके चेहरे पर हाथ की मिडिल फिंगर को लगा दिया जाता था। हालांकि नाक की जगह पर लगाई गई उंगली किसी भी काम की नहीं होती थी, क्योंकि उससे सांस नहीं ली जा सकती थी और सैनिकों को बेवजह अपनी उंगली भी काटनी पड़ती थी। इसलिए बीतते वक्त के साथ मार्केट में रबर और लकड़ी से बनी नकली नाक का प्रचलन बढ़ गया था, जिसे चेहरे पर आसानी से लगाया जा सकता है और उसके लिए सैनिकों को अपनी बीच की उंगली को भी नहीं गंवाना पड़ता था। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर डॉक्टर कम मिर्च मसाले वाला खाना खाने की सलाह देते हैं ताकि पाचन तंत्र को भोजन पचाने में आसानी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीखा खाना खाने से इंसान की उम्र लंबी होती है, जबकि उसकी मौत होने के चांस भी कई गुना तक कम हो जाते हैं। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि तीखा खाना या ज्यादा मिर्च खाने वाले व्यक्ति को दिल फेफड़ों संबंधी बीमारी नहीं होती है, जबकि वह कैंसर और डायबिटीज जैसी घातक बीमारी की चपेट में आने से भी सुरक्षित रहता है। हफ्ते में 3 दिन तीखा खाने वालों के मुकाबले रोजाना तीखा खाने वाले व्यक्ति की मौत की संभावना 14% तक कम हो जाती है। वहीं जो महिलाएं और पुरुष शराब व सिगरेट का सेवन किए बिना रोजाना तीखे खाने का सेवन करते हैं, वह लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यह शोध चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। उनका कहना है कि मिर्च संबंधी अन्य तीखे मसालों में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, जो बॉडी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं और इससे इंसान की उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर आपको तीखा खाना हजम नहीं होता है, तो इस स्थिति में आपको अपनी उम्र लंबी करने के लिए जबरदस्ती मिर्च का सेवन करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के लगभग सभी देशों में न्यूज प्रसारित की जाती है ताकि वहाँ के नागरिकों को देश संबंधी जानकारी मिल सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा न्यूज देखने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जबकि उनका दुनिया को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर दिन भर ऐसी ऐसी न्यूज प्रसारित की जाती है, जिसे देखकर इंसान को खुशी की जगह दुख और डर का एहसास होता है। ऐसे में ज्यादा न्यूज देखने की वजह से उस व्यक्ति के दिमाग में समाज और लोगों को लेकर नकारात्मकता आने लगती है, जबकि वह खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में अगर आप न्यूज देखना चाहते हैं, तो सिर्फ देश और दुनिया की जानकारी रखने के लिए प्रिंट मीडिया की खबरों को देखें। अगर आप टीवी के सामने बैठकर न्यूज चैनलों पर राजनीतिक पार्टियों की बहस और एंकर्स का चिल्लाना सुनते रहेंगे, तो आपको तनाव का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। फैक्ट नंबर 9, कहते हैं कि कला को समझने के लिए आर्टिस्ट की नज़र होनी चाहिए, तभी आप किसी भी पेंटिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन रूस की एक आर्ट गैलरी में सिक्योरिटी की नौकरी करने वाले गार्ड को शायद ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने अपनी एक बेवकूफी की वजह से 7 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। दरअसल वह गार्ड जिस आर्ट गैलरी में नौकरी करता था, वहाँ इंसानी शक्ल वाली एक पेंटिंग लगी हुई थी। गार्ड को लगा कि पेंटर उसमें आंखें बनाना भूल गया है, इसलिए उसने ब्रश से उस पेंटिंग पर आंखों को दर्शाने के लिए 2 डॉट बना दिए। लेकिन जब पेंटर की नज़र पेंटिंग पर पड़ी, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस गार्ड ने अपनी बेवकूफी की वजह से 7 करोड़ रुपए की पेंटिंग को 2 डॉट्स की वजह से बिगाड़ दिया था। ऐसे में आर्ट गैलरी के मालिक ने गार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला। लेकिन गार्ड ने यह गलती जानबूझकर नहीं की थी, इसलिए कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। हालांकि इस गलती की वजह से उस गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि उसे दोबारा किसी आर्ट गैलरी में गार्ड की जॉब पर नहीं रखा गया। फैक्ट नंबर 10, दूध को गर्म करने के बाद जब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर मलाई की एक परत जम जाती है, जिसे घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार चाय बनाकर जब कप में रखी होती है, तो उसमें भी मलाई की एक हल्की सी परत जम जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि दूध में बहुत से प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो गर्म होने की स्थिति में पिघल जाते हैं और फिर ठंडा होने के दौरान जमने लगते हैं। इस तरह प्रोटीन जब आपस में चिपक जाते हैं, तो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है। इस मलाई में दूध का फैट और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। ऐसे में जब दूध का इस्तेमाल करके चाय बनाई जाती है, तो उसमें मौजूद प्रोटीन एक बार फिर गर्म होकर पिघल जाता है। फिर जब उस चाय को कप में डालकर ठंडा होने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर प्रोटीन के जमने से हल्की सी मलाई की परत जम जाती है। क्योंकि चाय में दूध कम मात्रा में होता है, इसलिए चाय के ऊपर जमने वाली मलाई पतली होती है और चाय पत्ती की वजह से उसका रंग भूरा हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दूध या चाय के ऊपर मलाई जमने के पीछे कौन सा लॉजिक काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।